सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने G20 को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि G20 में जी का मतलब घोसी तो नहीं। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं। शर्मा जी, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि G20 में जी का मतलब घोसी तो नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, अब कोई इतने बड़े आयोजन का अगर उपहास उड़ाता है तो उनके सोचने की प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है। G20 भारत के लिए गौरव का प्रश्न है कि अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्रपति जहां पर मौजूद हों, वहां पर भारत का प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहा हो। ये देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, उपहास से नहीं। और मैं समझता हूं कि राजनीतिज्ञों को इस प्रकार के उपहास से बचना चाहिए। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि वोटों का बिखराव करने में वो सफल हुए, लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती देंगे भाजपा को। देखिए, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको इतना स्मरण करना चाहिए समाजवादियों को कि उनकी रामपुर जो परंपरागत सीट थी, जो कभी नहीं हारे थे, आजमगढ़ जो कभी नहीं हारे थे, वो सीट वो हार चुके हैं। घोसी में वो पहले जीते थे, दोबारा जीते हैं, इसलिए खुशी होने की जरूरत नहीं है। उनको रामपुर और आजमगढ़ में जो अल्पसंख्यक बहुल सीटों पे वो हारे, उसके लिए उनको सोचना चाहिए। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है केंद्र ने, किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी सफलता हासिल करने जा रही है? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता रहा हूँ, जो भी जिम्मेदारी दी उसको ठीक से किया। और मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ पर कम वहाँ पर हम, जहाँ कमी होगी उस कमी को पूरा करने के लिए साथ में चलेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा है, उन्होंने साफ कहा कि इस तरीके का बड़ा आयोजन हो रहा है और इस आयोजन का सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव जो भी सपने देख रहे हैं वो सपने फिलहाल पूरे होने वाले नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।